सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और साथ ही में बेल आइकन दबाएं यूजफुल टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन फ़ोन यहाँ पे रखा गया है और तीनों फ़ोन में से फर्स्ट फ़ोन है Xiaomi का Mi A3 और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है Vivo का S1 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे Samsung Galaxy का A50। तीनों ही फ़ोन में एक चीज़ कॉमन है और वो है यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में से चलिए आज हम लोग टेस्ट करके देखेंगे किसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट में जाके बताएं कि आपको लगता है कि कौन सा फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है सबसे फास्ट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं किसका फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। और यहाँ पे तीनों फ़ोन का एक साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करूँगा। चलिए फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे Mi का A3 और Samsung Galaxy A50 का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों फ़ोन का ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सबसे स्लो है। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों फ़ोन्स में से किसका फिंगरप्रिंट सेंसर सबसे स्लो है। तो फर्स्ट में हम लोग एकदम टोटल डिस्प्ले ऑफ कर देंगे और उसके बाद देखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर किसका जल्दी फास्ट काम करता है। तो मेरे राइट साइड पे यहाँ पे है Mi का A3 और लेफ्ट साइड में A50 रखा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक तो कर दिया, लेकिन A50 का थोड़ा फास्ट काम कर गया और A3 में थोड़ा देर से अनलॉक हुआ। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देख सकते हैं दोनों ही फिंगरप्रिंट को मैंने एक साथ में टैप किया, लेकिन A50 फास्ट अनलॉक कर रहा है। तो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि A50 में आपको फास्ट अनलॉकिंग स्पीड देखने को मिल जाएगा और फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। A50 जब फर्स्ट में आया था तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी स्लो था, कंस्टेंटली अपडेट के साथ ये काफ़ी बेहतर हो गया है और ये अभी काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। चलिए एक बार और देखेंगे और इस बार हम लोग डिस्प्ले को वेक करके अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं A3 का जो है एनिमेशन थोड़ा लेट कर दिया। यहाँ पे सेम टाइम पर अनलॉक हो रहा था, लेकिन A3 के एनिमेशन की वजह से ये थोड़ा लेट से अनलॉक हुआ। यहाँ पर भी A50 फास्ट काम कर गया। दो बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सेम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट अनलॉक हो गया और यहाँ पे एनिमेशन की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे ये सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे A3 स्लो है कंपेयर्ड टू A50। चलिए अब हम लोग A3 को हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग Vivo S1 के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। Vivo S1 का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है और मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि किसका ज़्यादा फास्ट अनलॉक करता है। चलिए एक बार और हम लोग आज टेस्ट करके देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग टोटली ऑफ करके डिस्प्ले को देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे Vivo S1 का जल्दी से अनलॉक हो गया Samsung Galaxy A50 के मुकाबले। देख ही सकते हैं काफी जल्दी फास्ट अनलॉक कर रहा है Vivo S1। तीन बार ट्राई किया, तीनों बार Vivo S1 फर्स्ट अनलॉक कर गया। चलिए डिस्प्ले को वेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं Vivo S1 जल्दी अनलॉक हो गया, हालांकि इस बार A50 थोड़ा फास्ट काम किया और जो डिफरेंस इस बार थोड़ा कम लगा। देख सकते हैं सेम रिजल्ट्स है, यहाँ पर भी Vivo S1 बहुत ही फास्ट अनलॉक कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। Vivo S1 का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे जल्दी अनलॉक कर रहा है। लास्ट टाइम एक बार Vivo S1 के साथ कंपेयर करके आप लोगों को A3 दिखा देते हैं। हालांकि रिजल्ट्स आप लोगों को पता ही है किसका ज़्यादा फास्ट है, किसका जल्दी से अनलॉक होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने A3 के साथ A50 को अनलॉक करके देखा और A50 के सामने A3 फीका पड़ जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे Vivo में फर्स्ट में अनलॉक हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे A3 में भी अनलॉक हो गया। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे Vivo का स्पीड का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है जितना A50 के साथ हुआ था। A50 के कंपेयर में Vivo S1 काफ़ी फास्ट खुल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए दोनों फ़ोन के बीच में, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं नोटिस में आ रहा मुझे। तो चलिए एक बार डिस्प्ले वेक करके हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं डिस्प्ले वेक करने के बाद Vivo S1 कितना जल्दी अनलॉक कर रहा है कंपेयर टू
MI A3। तो दोस्तों हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है और बार बार टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा, सबसे जल्दी फर्स्ट अनलॉक कर रहा है यहाँ पे वीवो का S1। वीवो का S1 में आप लोगों को सबसे फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी A50, और उसके बाद फाइनली एकदम लास्ट में आता है MI A3। और यहाँ पे इन दोनों फ़ोन्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मार्केट पे अवेलेबल है, लेकिन MI A3 बहुत ही कम प्राइस में यानी कि 13,000 रुपये में अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, सबसे चीपेस्ट प्राइस में इन डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पे ठीक ठाक ही काम कर रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद है फ्यूचर अपडेट के साथ ये और ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा A50 के फ्यूचर अपडेट्स के साथ कितना ये इम्प्रूव हो गया है, और मुझे उम्मीद है वैसे ही A3 में भी अपडेट्स आएंगे और उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि फिंगरप्रिंट सेंसर इंडस्ट्रियल जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन तीनों फोन्स में से किसका बेटर काम करता है, किसका फास्ट काम करता है। तो अगर आप लोगों को इन तीनों फोन्स में से फास्टेस्ट इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो आपको वीवो S1 में मिलेगा। वीवो S1 में फर्स्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी A50 और उसके बाद MI A3 में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।